दिन करीब कथा चली है, 20 मार्च से कथा की शुरुआत हुआ था और 30 मार्च तक चला है। तो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा आनंद आया, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग भी रिफ्रेश हो जाता है इस तरह के कार्यक्रम वगैरह से। फिलहाल मुझे तो कथा का वीडियो तो रिकॉर्ड के और उसको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो भी चीज़ें, तो मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रख लेती हूँ। तो ब्लॉग में बस जो शूट कर पाऊँगी वही दिखाने की कोशिश फिलहाल मैं करती हूँ। तो ये थी आज की। घर के सामने जो मतलब बगीचा आप लोगों ने देखा है अक्सर हमारे वीडियो में, तो उसमें धनिया और अलसी का मतलब बोया गया था। तो इतना ज़्यादा पेड़ निकला हुआ है, मतलब धनिया फल गई है और सूख भी गई है, तो इसीलिए इसे काट के अलग कर लिया गया है। और क्योंकि वहाँ की सफाई करना था, क्योंकि होना था गोवर्धन का पूजा, जो श्रीमद्भागवत में गोवर्धन जी बनाए गए थे, गोवर्धन महाराज जी, तो उन्हीं का मतलब पूजा करना है, उनका करना भी शुरू है। कल है गोवर्धन पूजा, आज है बुधवार, तो कल 30 मार्च को गोवर्धन पूजा का समय है। तो ये देखिए लिपाई पुताई हो गई है और वो है हमारे गोवर्धन जी महाराज। और मुझे लगता है टाइल्स वगैरह से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है अगर गोबर से लिपाई कर दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब भक्ति में फीलिंग आती है। तो देख सकते हैं कितना साफ हो गया है मेरा बगीचा। इस समय पूरे गांव का माहौल एकदम भक्ति में था, क्योंकि नवरात्र था, तो कई जगह पूजा कीर्तन वगैरह हो रहा था, तो पूरा माहौल लगभग भक्ति में हो रखा है। अब लोगों को बैकग्राउंड आवाज में सुनाई पड़ रहा होगा, कभी कभी म्यूजिक को म्यूट कर देते हैं। श्रीमती शकुंतला दुबे की पुत्री नीलम दुबे और मानस पर माल्यार्पण करके हमारा श्री को सम्मानित करते स्वागत करते हुए जीवन को धन्य बनाए। श्रीमती संजू यादव, अब संजू यादव ऐसा नाम है कि आप लोग जानते ही हैं। हाँ, दोनों में चलेगा, जैसे हिंदी तुम्हारी दोनों में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई से आते आते हमारा फीमेल में हो गया था लोगों के बनाने के कारण, तो रिजर्वेशन के बाद ही जनरल में आना पड़ा था। श्रीमती संजू यादव, आज मैं कहने में मजबूर हो रहा हूं कि महाराज श्री के साथ साथ ऐसे पूर्व प्रधान की जिनके सामने में रह करके पर डे प्रतिदिन कलाकारों का सम्मान करने में तत्पर, खर्च बहुत होता है मुझे पता है, ये ज्ञात है, और हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित करके जीता है। ऐसा जीना भी क्या जीना कि जीना लगे, केवल इसके टाइम जींस से नहीं होता, और मोती को भी तेफू लगी ना लगे, भले ट्राउजर महंगे महंगे आ रहे हैं, लिनन की शर्टें आ रही हैं, लिनन के कुर्ते भी आ रहे हैं, पैंट कट में पजामे पहन के गोल्डन चैन की बढ़िया वॉच ब्रेसलेट भी पहनी जा रही है, लेकिन ऐसा जीना भी क्या जीना कि जीना लगे। तो ये क्लिप है 30 मार्च सुबह का, जो कि गोवर्धन पूजा हो रहा है, और पूरा वीडियो नहीं रिकॉर्ड किए, नहीं तो मतलब रिकॉर्ड किए बट अपलोड नहीं किए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा जाता है, तो खास इसका दिखा दे रहे हैं। गोवर्धन पूजा बरसात के पहले ही ज़्यादा जरूरी था, इसलिए आज ही करवा देगा, क्योंकि महाराज जी आए हुए थे और जो महाराज
हेलो, कैसे हो आप सभी। तो आज है 30 मार्च और कथा का है आज मतलब अंतिम दिन, या समझ कह सकते हैं विश्राम दिन। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, आज हमने क्या पहना है। तो हम लोग जा रहे हैं और दिखाते हैं, आज प्रभु राम वनवास से वापस आएंगे और उनका राज्याभिषेक होने वाला है। चलिए आपको कथा में मिलते हैं। हेलो, बाय बाय। सिंधु जी तुम्हें अपना बनाए थे, तुम्हें अपना बनाए थे, समंता शाहजान के विजय ते कुल देवतन्ना, अपने अपने धरन की सबकाहू को फेर, तुम ही पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुबीर, जाके सेवा भावते मुग्ध हुए श्री राम, ऐसो उन बज्रांग को बारंबार प्रणाम। अब नीलाम भुजस्या मलको मलांगम, श्वेता समारोपित वाम भागम, पारो महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम सीता चरणारविन्दम्, प्रेमामृतेन्दुं प्रतिभैक सिन्धुम्, नमामि तं मानसराज हंसम्, दासं तुलस्य तनयां हुलस्य। अब तुलसी कृत रामायण कथा कहूं अनुसार, सुचि सुंदर यासन सुभग आई पवन कुमार, श्री राम कथा के रसिक वर भक्ति राशि मति धीर, आयस वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। ओम हनुमानेन्द्रनाशोनुर्वायुपुत्रो महाबल रामेश फल्गुंशक पिंगाक्षो मित विक्रम, उदसित्यमण शैव सीताशोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता च दशभ्यो वर्ष दर्प। प्रिंस बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।
2007 से मैंने इनको जो सोचा था ये वही निकले, 100 नंबर मिला। हमारे गणेश पांडे जी, हमारे परम से अभिनयात्मक स्वरूप दिवाकर पांडे, उदित हाँ गणेश भैया नहीं दे रहा हूँ, दिवाकर संभाल के रखिएगा, बड़ा कीमती है। उदित सदा अथई अथबहुना, उदित सदा अथई अथबहुना, भरत जी के लिए ये बात आई है। उदित सदा अथई अथबहुना, अब भटईन न भजद दिन बाद कुछ लोगों के। श्री राम जी के राज्याभिषेक के साथ ही कथा का समापन हो गया, आने के विश्राम हो गया और मेरे पास में बैठी हमारी बचपन की बेस्ट फ्रेंड, जिससे हम करीब 15 साल बाद मिले होंगे, काफ़ी दिन बाद हम मिले हैं, मेरे गांव की ही हैं, तो हम लोग मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन बाद हम अपने पुराने दोस्त से मिले थे और काफ़ी लोगों से हम काफ़ी दिन के बाद ऐसी कथा के माध्यम से ही मिल पाए थे, क्योंकि गाँव बहुत ज़्यादा जाना होता नहीं है। और कथा से रिलेटेड और भी वीडियोज आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका एक ब्लॉग और भी बना हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो फिलहाल आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। और कथा के अंतिम जब महाराज जी मंच से नीचे गए तब का ये वीडियो है, और उसके नेक्स्ट दिन था प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह के कार्यक्रम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट देता रहेगा, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है मुझे, काफ़ी दिन से बना कर फिलहाल उम्मीद करूँगी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और कथा की छोटी छोटी क्लिप में जो अपलोड करती हूँ, जो खास क्लिप होती है, और आप लोग इस मतलब कथा को अगर बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो मुझे गारंटी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे शब्दों में महाराज जी एक्सप्लेन करते हैं कथा के एक एक वर्ड को, एक एक चौपाई को। तो फाइनली हम पहुँच गए घर प्रसाद लेने के बाद। तो ये प्रसाद ले आए हैं पिताजी के लिए, क्योंकि पिताजी नहीं गए थे, और घर आ गए हैं, प्रसाद वितरण हो चुका है। तो भाई लो, आओ बाहर, चलो बाहर। ये देखिए हमारे घर में इंसान से ज्यादा आपको जानवर मिलेंगे। अरे ये देखो, आगे पीछे। तो फाइनली आ गए हैं और सोच रही हूँ वीडियो को यहीं पर विराम दे दूँ। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्या हुआ, चलो हाँ चलो, ओ